हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल NVS एकेडमी पर। हमारा जो पिछला सेशन था उसमें अपन ने वनस्पति जगत के बारे में देखा था कि जो अपना वनस्पति जगत था उसमें पुष्पी पादपों को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। वो 5 पार्ट सेवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद में अपन ने इन 5ों की डिटेल्स देखी थी कि इनकी उपलब्धता किन स्थानों पर ज़्यादा होती है, किन स्थानों पर कम होती है, इनका जो आर्थिक महत्व था वो देखा था। नेक्स्ट अब अपन बात करने वाले हैं प्राणी जगत के बारे में। जैसे अपन ने वनस्पति जगत को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक उसी प्रकार अपन प्राणी जगत के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो अपना प्राणी जगत है उसमें 2 कैटेगरी की चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट तो आती है वो होती है नॉन कोडेटा, और जो नंबर सेकंड पर आती है वो कोडेटा जीव। नॉन कोडेटा जीव और कोडेटा जीव में डिफरेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें अपन प्राणी जगत में देखने वाले हैं। जैसे अपन ने वनस्पति जगत देखा था ठीक वैसे ही अपना प्राणी जगत है। प्राणी जगत में जो नॉन कोडेटा जीव है उनको 10 भागों में बांटा गया है, और जो कोडेटा जीव है उनको 4 भागों में बांटा गया है। नॉन कोडेटा और कोडेटा में डिफरेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें आज की सेशन में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो अपना NCERT का सिलेबस है वो तैयार होता रहे। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, प्राणी जगत के बारे में कि प्राणी जगत क्या होता है। प्राणी जगत है उसमें दो जीवों को रखा गया है, कोडेटा और नॉन कोडेटा को। इससे पहले अपन बात कर ले कि प्राणी जगत को किस आधार पर डिवाइड किया गया है। तो जो अपना शरीर होता है उसमें परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कौन सा तंत्र पाया जाता है? परिसंचरण तंत्र। उसी परिसंचरण तंत्र के आधार पर जीवों को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 2 पार्ट्स में, खुला और बंद परिसंचरण तंत्र। नंबर फर्स्ट कौन सा होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। और जो नंबर सेकंड होता है वो कौन सा होता है? बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र और नंबर सेकंड पर कौन सा आता है? बंद परिसंचरण तंत्र। तो इस आधार पर, परिसंचरण तंत्र के आधार पर जीवों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, खुले और बंद के आधार पर। तो जो अपना खुला परिसंचरण तंत्र होता है उसमें रक्त का जो बहाव है, कौन सा? ब्लड का जो बहाव है वो हृदय से सीधे बाहर जाता है। किधर जाता है? बाहर जाता है। और जो अपना बंद परिसंचरण तंत्र होता है उसमें जो रक्त का बहाव है वो हृदय से अलग अलग वाहिकाओं को जाता है। इसमें रक्त कहाँ पे जाता है? वाहिकाओं में जाता है बंद परिसंचरण तंत्र में। और जो अपना खुला परिसंचरण तंत्र होता है उसमें जो रक्त है वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, किसमें? खुले परिसंचरण तंत्र में। ठीक है, तो जो अपना परिसंचरण तंत्र है उसके आधार पर जीवों को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, किसमें? नंबर फर्स्ट खुला परिसंचरण तंत्र, और जो नंबर सेकंड था वो कौन सा था? बंद परिसंचरण तंत्र। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है कि सममिति क्या होती है। सममिति के आधार पर जीवों को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। तो अपन पहले बात करें कि सममिति की डेफिनेशन क्या होती है, या फिर अपन नॉर्मल लैंग्वेज में सममिति की बात करें तो कोई भी जो जीव है उसको अगर अपन 2 पार्ट्स में बांट दें, जीव के शरीर को कितने पार्ट्स में बांट दें? 2 पार्ट्स, 2 भागों में बांट दें, तो वो क्या कहलाता है? सममिति। तो इसकी डेफिनेशन अगर अपन देना चाहे तो वो अपन बोल सकते हैं कि किसी जीव के शरीर को 2 भागों में बांटना ही क्या कहलाता है? सममिति। ठीक है, इसके बाद में सममिति के आधार पर जीवों को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट्स? असममिति नंबर सेकंड जो है, असममिति नंबर सेकंड जो है अरीय सममिति, और जो नंबर थर्ड पर आता है वो कौन सा है? द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति, तो जो अपना द्विपार्श्व सममिति है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? असममिति का एग्जाम्पल कौन सा है? अरीय सममिति का एग्जाम्पल कौन सा है? वो किसके आधार पर देखते हैं अपन? सममिति के आधार पर। जैसे अपन ने सममिति की डेफिनेशन देखी कि इसमें किसी जीव के शरीर को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, तो जो अपना असममिति होता है उसमें केंद्रीय अक्ष से, कौन से अक्ष से? केंद्रीय अक्ष से जीव को 2 बराबर पार्ट्स में नहीं बांटा जा सकता। याद रखना, नहीं बांटा जा सकता केंद्रीय अक्ष से। और जो इसमें अरीय सममिति होता है उसमें केंद्रीय अक्ष से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। दोनों में डिफरेंट क्या है?
कि जीव को बांटा तो किससे जाता है, केंद्रीय अक्ष से ही, दोनों में ही, लेकिन लेकिन जो असममिति है उसमें तो है जीव को बांटा नहीं जाता, नहीं, और केंद्रीय अक्ष से नहीं बांटा जाता, और जो अरीय सममिति होती है उसमें केंद्रीय अक्ष से बांटा जाता है, मतलब हाँ। तो अपने को याद रखना क्या है कि जो अपना असममिति होता है उसमें जीव के शरीर को केंद्रीय अक्ष से नहीं बांटा जाता, और जो अरीय सममिति होता है उसमें जीव को केंद्रीय अक्ष से बांटा जाता है। इसके बाद में अगर द्विपार्श्व सममिति की बात करें तो उसमें कोई भी जो एक अक्ष होता है, किसी भी अक्ष से, किसी भी एक अक्ष से जीव को दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है, किसी भी एक अक्ष से, न कि दो या तीन अक्ष, हमेशा कितने अक्ष लेना है, एक ही अक्ष लेना है। तो अपन ने डेफिनेशन देखी असममिति, अरीय सममिति और द्विपार्श्व सममिति का। इन्हीं के डेफिनेशन के आधार पर इनके एग्जाम्पल जो होते हैं वो कौन से होते हैं। असममिति का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, स्पंज, और जो अपना अरीय सममिति है उसका एग्जाम्पल सिलेंट्रेट और टीनोफोर। इसके बाद में जो अपना द्विपार्श्व सममिति है, द्विपार्श्व सममिति का एग्जाम्पल कौन सा है, एनेलिडा और आर्थोपोडा। ठीक है, तो सममिति के आधार पर जीवों को कितने पार्ट्स में बांटा गया, तीन पार्ट्स में, असममिति, अरीय सममिति के आधार पर और द्विपार्श्व सममिति के आधार पर। और जो परिसंचरण तंत्र है उसके आधार पर दो पार्ट्स में, खुले परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र के आधार पर। इसके बाद में जो इनका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है किसका, प्राणी जगत का, वो किसके आधार पर दिया गया, भूणीय स्तर के आधार पर। तो भूणीय स्तर के आधार पर है वो जीव कितने प्रकार के होते हैं, द्विकोरक और त्रिकोरक। कौन कौन से, द्विकोरक, और नंबर सेकंड कौन सा है, त्रिकोरक। तो ये किसके आधार पर है, भूणीय स्तर के आधार पर। तो अपने को पता है कि जो अपना भूणीय स्तर है वो तीन भागों में बटा होता है, कौन कौन से, एक्टोडर, मेसोडर और एंडोडर। तो जो द्विकोरक जीव होते हैं उसमें कौन कौन से भूणीय स्तर पाए जाते हैं, उसमें जो है एक्टोडर्म और एंडोडर्म भूणीय स्तर पाए जाते हैं। इसमें दो ही भूणीय स्तर पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं, द्विकोरक जीवों के नाम से। इसके अलावा अगर अपन त्रिकोरक की बात करें तो त्रिकोरक जो जीव होते हैं उसमें जो भूणीय स्तर है वो तीनों पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, लास्ट में कौन सा बच गया, एंडोडर्म। तो प्राणी जगत को तीनों जो क्लासिफिकेशन थे कौन कौन से, नंबर फर्स्ट पर था परिसंचरण तंत्र के आधार पर, नंबर सेकंड था सममिति के आधार पर, और नंबर थर्ड क्या था, भूणीय स्तर के आधार पर। तो तीनों चीजों के जो जीव हैं कौन कौन से, खुले परिसंचरण तंत्र के आधार पर कौन से जीव आते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र में कौन से जीव आते हैं, सममिति में कौन से जीव आते हैं, और जो भूणीय स्तर हैं उनके आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीजें अपन इस सेशन में देख ली। इसके बाद में जो अपन ने बात की थी शुरुआत में कोडेटा और नॉन कोडेटा के बारे में, कि नॉन कोडेटा और कोडेटा क्या होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन की बात करें तो दोनों सेम है, और उसी डेफिनेशन से इनमें डिफरेंट भी किया जा सकता है कि नॉन कोडेटा और कोडेटा में अंतर क्या होता है। जो नॉन कोडेटा जीव होते हैं उनमें गिल दरारें क्या होती है, अनुपस्थित, गिल दरारें क्या होती हैं, अनुपस्थित, और जो कोडेटा होते हैं उनमें क्या होती है, गिल दरारें उपस्थित। तो पृष्ठरज्जु इसमें क्या होता है, अनुपस्थित, और जो कोडेटा होता है उसमें क्या होता है, उपस्थित। तो इनका जो डिफरेंट है दोनों में, नॉन कोडेटा और कोडेटा में, वही इनकी डेफिनेशन बन सकती है कि ऐसे जीव जिसमें गिल दरारें अनुपस्थित होती हैं और पृष्ठरज्जु भी अनुपस्थित होता है क्या कहलाते हैं, नॉन कोडेटा जीव, और जिनमें ये दोनों उपस्थित होती है क्या कहलाते हैं, कोडेटा जीव। तो अगर अपन नॉन कोडेटा जीव की बात करें तो नॉन कोडेटा जीवों को 10 भागों में बांटा गया है, वो कौन कौन से हैं 10। तो नंबर फर्स्ट पर जो आता है वो आता है पोरीफेरा, नंबर सेकंड कौन सा है, सिलेंट्रेटा, नंबर थर्ड कौन सा है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, नंबर थर्ड पर जो आता है टीनोफोर, नंबर फोर्थ पर प्लेटीहेलमेंथीज,
नंबर फिफ्थ पर, नंबर फिफ्थ पर कौन सा आता है? एस के हेलमेंथीज। नंबर सिक्स्थ पर आता है एनेलिडा। नंबर सेवेंथ पर ऑर्थोपोडा। नंबर एट पर मोलस्का। नंबर नाइन्थ पर इकाइनोडर्मेटा। और नंबर टेंथ और लास्ट में कौन सा आता है? हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा। इस प्रकार जो नॉन कोडेटा है उनको 10 पार्ट्स में बांटा गया है, जिनके नाम याद रखना कौन कौन से नॉन कोडेटा के पार्ट्स हैं। इसके बाद में जो कोडेटा जीव आते हैं, कौन से जो अपने कोडेटा जीव आते हैं उसमें जीवों को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 5 पार्ट्स में। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट एम्फीबिया, नंबर फर्स्ट कौन सा है? एम्फीबिया। नंबर सेकंड सरीसृप। तो इसको कोडेटा जीवों को 5 पार्ट्स में कौन कौन से में बांटा गया है? एम्फीबिया, सरीसृप, एवीज और स्तनधारी। इस प्रकार अपन ने जो है प्राणी जगत वो कंप्लीट कर लिया है, कौन कौन से इसमें वर्गीकरण के आधार थे, ये सब चीज़ें आज अपन ने इस वीडियो में देखी हैं। और अगर आज का वीडियो आपका पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।